नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, व्हाट डू वी हैव इन द हाउस इज मोस्ट अवेटेड डिवाइस Redmi 12 5G। वैसे गाइस, इसके पहले हमने Redmi 12 4G की अनबॉक्सिंग वीडियो शूट की थी, थोड़ा बहुत रिव्यू भी वहां पे हमने दिया था। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि यार वो डिवाइस 5G क्यों नहीं है, 5G इज राइट हियर। बट यस गाइस, कुछ ऐसे की एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। इन शॉर्ट ना, हम एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे 4G एंड 5G डिवाइस के बीच में। वीडियो गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रही हमारे साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स के अंदर वो एक्चुअल फोन, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, कुछ एडिशनल पेपर वर्क, 22.5 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रिक एंड Type-A to Type-C चार्जिंग एंड डेटा केबल आपको देखने मिलती है। सो वैसे गाइस, अगर यहाँ पे मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास पेस्टल ब्लू कलर में स्मार्टफोन है, जहाँ पे इसका बैक पैनल है ना कम्प्लीटली ग्लास का आपको देखने मिलता है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। एंड जो कैमरा मॉड्यूल है ना, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो काफी बढ़िया से सिल्वर रिम भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। वही रेगुलर पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे उन्होंने 3.5mm का जैक प्रोवाइड किया है। IR ब्लास्टर भी आपको देखने मिलते हैं। AC, TV, सेट टॉप बॉक्स, ढेर सारी चीजें आप इसकी हेल्प से ऑपरेट कर सकते हो। सिम स्लॉट हाइब्रिड आपको देखने मिलता है, दो सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हो। एंड पावर ऑन बटन में यहाँ पे उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर नो डाउट बहुत ही रिस्पॉन्सिवली वर्क करता है। एंड इस फोन के अंदर है ना, आपको IP53 की रेटिंग देखने मिलती है। गलती से अगर पानी स्प्लैश हो जाता है, टेंशन मत लीजिए। सो गाइस, नो डाउट फोन की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे सुपर्ब निकल के आते हैं। डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे उन्होंने 6.79 इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड यहाँ पे ना आपको पंच होल डिस्प्ले देखने मिलता है। जब भी आप इस फोन को यूज़ कर रहे हो या फिर इसके अंदर गेमिंग कर रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको फील होने वाला है। एंड यहाँ पे जो कलर एक्यूरेसी वाला पार्ट है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने मिलता है। वाइड वाइन सर्टिफिकेशन हमने चेक किया, वाइड वाइन L1 आपको देखने मिलता है। नेटफ्लिक्स पे आप फुल HD कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। बट यस गाइस, एक चीज़ है ना, मुझे थोड़ी बहुत अजीब सी लगी। YouTube पे आप 1080p एट 60fps का ही कंटेंट प्ले कर सकते हो। इसके पहले जो Redmi 12 4G था ना, उसमें 4K एट 60fps का कंटेंट आप प्ले कर सकते थे। इसमें अनफॉर्चुनेटली प्ले नहीं होता, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स हो जाए। ये चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। भाई ने बोला करने का तो करने का। एंड यहाँ पे आपको 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिलते हैं। इंडोर्स में विजिबिलिटी बढ़िया है, आउटडोर्स डायरेक्ट सनलाइट में ना शायद इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत कम आपको देखने मिलते हैं। एंड डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे उन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। एंड यस गाइस, इस स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने मिलता है, जो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2। एंड यहाँ पे हमारे पास जो वेरियंट है ना, वो है 8GB LPDDR4X RAM के साथ 256GB का UFS 2.2 स्टोरेज। सो यहाँ पे जो रीड एंड राइट स्पीड है ना, लगभग आपको 1GBPS की देखने मिलती है। एंड यस, यहाँ पे वर्चुअली आप रैम को एक्सपांड कर सकते हो, 8GB ऑलरेडी है, 8GB एक्सपांड कर सकते हो, टोटल 16GB ऑफ रैम। एंड यस, यहाँ पे हमने कुछ बेंचमार्क्स भी इसके अंदर रन किए। Antutu में यहाँ पे हमें लगभग 4,54,000 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड CPU थ्रॉटलिंग में 92% की मैक्स परफॉर्मेंस। सो गाइस, एज सच है ना, CPU वाला पार्ट इतना ज़्यादा थ्रॉटल यहाँ पे नहीं करता है। गेमिंग की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने BGMI गेम इसके अंदर टेस्ट किया था, जहाँ पे हमें स्मूथ में अल्ट्रा के सेटिंग्स देखने मिल रहे थे। 40fps में आप इस गेम को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल सकते हो। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में भी यहाँ पे आपको 40fps के फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे। एडिशनली यहाँ पे उन्होंने गेम मोड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। प्रोसेसर को आप परफॉर्मेंस मोड में इसके हेल्प से सेट कर सकते हो एंड ढेर सारे कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे डिसेंट गेमिंग कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में। एंड बढ़ते डायरेक्टली कैमरा की तरफ, तो यहाँ पे रेयर में आपको 50MP का मेन कैमरा देखने मिलता है एंड 2MP का डेप्थ कैमरा। गाइस, इसके पहले जो रेडमी 12 4G था ना, उसके अंदर 8MP का अल्ट्रा वाइड भी था। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अनफॉर्चुनेटली देखने नहीं मिलता है। मतलब 5G डिवाइस है, होना चाहिए था ना अल्ट्रा वाइड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। एंड फ्रंट में आपको देखने मिलता है 8MP का कैमरा। गाइज, रेयर कैमरा की हेल्प से यहाँ पे आप 1080p एट 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर फुटेज है, ये हमने आउटडोर्स में रिकॉर्ड किया 1080p एट 30fps में। एंड यहाँ पे डिसेंट वीडियो निकल के आता है। स्टेबिलिटी वाला पार्ट भी ना इतना बढ़िया आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड यस, फ्रंट कैमरा की हेल्प से भी आप 1080p एट 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑलरेडी हमने एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया, अभी मैं प्ले करता हूँ उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइज, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p एट 30fps में आउटडोर्स में। तो यहाँ पे आपको कैमरा की आइडिया, ऑडियो क्वालिटी की भी आइडिया आ जाएगी एंड स्टेबिलिटी का भी पता चलेगा।
एडिशनली गाइज यहाँ पे हमने 50 मेगापिक्सल मोड में कुछ सैम्पल इमेजेस कैप्चर किए आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में एंड इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में। काफी हाई डायनेमिक रेंज के इमेजेस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। पोर्ट्रेट इमेजेस भी यहाँ पे काफी बढ़िया आपको देखने मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको सेल्फी इमेजेस भी देख सकते हो। फ्रंट कैमरा की डायनामिक रेंज ना आपको डिसेंट देखने मिलती है क्योंकि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड फिर हम बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 14 उन्होंने प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 13 पे। UI वाला जो पार्ट है ना नो डाउट बहुत ही स्मूथ यहाँ पे फील होता है। बट yes, यहाँ पे आपको टन्स एंड टन्स ऑफ ब्लोटवेयर एप्लीकेशन देखने मिलते हैं। डेफिनेटली आप इन एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। एंड फिर हम बात करते हैं स्पीकर सेटअप को लेके। सेटअप नहीं एक्चुअली सिंगल फायरिंग स्पीकर ही यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड सैम्पल ऑडियो प्ले करते हैं साउंड क्वालिटी सुनने के लिए। फोर जी फाइव जी का सेम ही साउंड आ रहा है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। सो गाइस सिंगल फायरिंग स्पीकर के हिसाब से साउंड आउटपुट बढ़िया है बट डुअल फायरिंग स्पीकर होता था तो मजा ही आ जाता। एंड फिर हम बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी आपको देखने मिलती है। 18 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको 22.5 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रेक देखने मिलता है। एक दिन तक बैटरी लाइफ इसकी चल जाएगी। एंड यस कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डुअल 5G सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। FM रेडियो भी आपको देखने मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड जितने भी सारे सेंसर्स हैं वो आपको देखने मिलते हैं विद जायरोस्कोप। सो वैसे गाइज डिवाइस काफी बढ़िया है। प्रोसेसर आपको लेटेस्ट देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2। एंड यस कुछ ऐसे फैक्टर्स मुझे लगे जो मैंने वीडियो में आपको बताया कि यार 4G एंड 5G में क्या मेजर यू नो चेंजेस डिफरेंसेस है। डिस्प्ले में थोड़ा बहुत यस है डिफरेंस। कैमरा वाला पार्ट जो है अल्ट्रा वाइड एंगल वाला 8 मेगापिक्सल उसमें था, इसमें नहीं है। तो डेफिनेटली मतलब 4G से अगर 5G पे शिफ्ट करना है किसी को तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। वैसे गाइज ये जो वीडियो है ना मैं लॉन्च से पहले शूट कर रहा हूँ सो इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे नहीं पता। बट यार इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है ना डेफिनेटली अंडर 15,000 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग प्राइस बोल रहा हूँ मैं एंड अंडर 20,000 यू नो टॉप वाला जो वेरियंट है वो मिल ही जाएगा। बट कुछ नहीं बता सकते अभी। वैसे जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी ना प्राइसिंग यू नो आ चुकी रहेगी। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये फ़ोन कैसे लगा एंड प्राइसिंग वाला फैक्टर कैसे लगा। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।